हेलो। हाँ सर, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग उस दिन, इससे पहले जो क्लास था, उस क्लास में हम लोग पढ़े थे कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ पढ़े थे, उससे पहले पढ़े थे यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स है, फिर और एक दो थियोरम पढ़े थे। फिर ये भी पढ़े थे कि एक ग्रुप है ना, एक सेट जो जी इज इक्वल टू, जो इस टाइप से जी इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू टाइप का एलिमेंट, जहाँ पर ए और बी दोनों क्यू से आएगा, इस सेट को भी हम लोग ग्रुप बोलते हैं। कैसे, इसका भी हम लोग प्रूफ किए थे। आज हम लोग और कुछ एग्जाम्पल ग्रुप में देखेंगे, ठीक है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सब आता है। ये 3 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, डू द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म ग्रुप्स विथ रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन देम एज फॉलोज। पहला नंबर, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि माइक को ऑफ रखें, पूछने के समय ही आप लोग ऑन कीजिएगा, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन देखिए, डू द फॉलोइंग सेट फॉर्म ग्रुप्स विथ रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन देम एज फॉलोज। मतलब यहाँ पर कुछ सेट्स दे रखा है और उसमें ऑपरेशन डिफाइंड किया हुआ है उस सेट में, तो पूछा है कि ये सेट उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं है। जैसे नंबर 1 बोल रहा है कि सेट आई, आई क्या है ना, ऑफ ऑल इंटीजर्स, आई जो है सभी इंटीजर का सेट है। आपसे पूछा है क्या ये जो इंटीजर का सेट है ये ग्रुप है इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन 1, मतलब ये जो Q1 सेट है, Q1 सेट में क्या है, सारे रेशनल नंबर्स हैं सिर्फ 1 को छोड़ के, तो ये जो सेट Q1 है क्या ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, ऑपरेशन क्या है ना, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या Q1 सेट जो है वो ग्रुप है, ये पूछा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पूछा है क्यू डैश, क्यू डैश किसको माना है, ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन -1, मतलब क्यू डैश जो सेट है इसमें -1 छोड़ करके बाकी जितने सारे रेशनल नंबर्स हैं वो है, तो पूछा है क्या ये क्यू डैश जो सेट है इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। ऑपरेशन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, यही बात है। समझ में आया क्वेश्चन, तो अभी जिसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो इसका सॉल्यूशन, 1 नंबर का क्या पूछा है, द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स विद ऑपरेशन डिफाइंड बाई दिस, ये ग्रुप है कि नहीं है। यहां पर से जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तीनों क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, या तो 1 नंबर वाला पूछेगा, बोलेगा कि सेट ऑफ इंटीजर आई इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं, या तो पूछेगा Q1 जो सेट है इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं, या क्यू डैश जो सेट है इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं, यही पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग 1 नंबर वाला को दिखाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो 1 नंबर वाला को दिखाने के लिए पहले क्या दिखाना पड़ेगा, क्लोजर। तो ए नंबर में हम लोग क्लोजर को दिखाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है कि किसको आप ग्रुप दिखा रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर को, किसके रेस्पेक्ट में, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, ये है ऑपरेशन। तो कोई भी आप सेट ऑफ इंटीजर से एलिमेंट ले आइए, लेट
मान लीजिए ए एंड बी, बी एनी टू एलिमेंट इन आई, सेट ऑफ इंटीजर में मान लीजिए कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है। अब ये दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा दीजिए, तो ए ऑपरेशन बी क्या होगा, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस वन। अब बताइए ये ए और बी आप कहां से लाए थे, सेट ऑफ इंटीजर से लाए थे, तो ए ऑपरेशन बी का जो वैल्यू मिला हमको ए प्लस बी प्लस वन, क्या ये भी इंटीजर है बताइए। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि सेट से हम दो एलिमेंट लाएंगे और ऑपरेशन करने से जो हमको मिलेगा वो भी सेट का एलिमेंट हम दिखा देंगे, ठीक है। तो हम ए और बी दो हम लोग एलिमेंट लाए कहां से, आई से, और ए ऑपरेशन बी किए तो हमको ये मिला, तो क्या ये इंटीजर होगा, ए प्लस बी प्लस वन का जो वैल्यू आएगा इंटीजर होगा बताइए। होगा सर, होगा, ये इंटीजर जरूर होगा, क्यों, क्योंकि ए है इंटीजर, बी है इंटीजर, ए और बी दोनों इंटीजर लिए हैं, तो दो इंटीजर का एडिशन भी इंटीजर होता है, और कोई भी इंटीजर के साथ आप वन ऐड करो तो वो भी इंटीजर होगा, मतलब ये ए प्लस बी प्लस वन आपका इंटीजर होगा, ठीक है। लिख दीजिएगा एस ए एन बी आर इंटीजर, नहीं ये तो लिखा हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहां पर दस हम लोग ए और बी कोई एलिमेंट, या फिर इसको ऐसे लिखिएगा दस, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी का जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर में ही मिल रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर दो लीजिए आपका वो जो ए ऑपरेशन बी का जो वैल्यू आपका इंटीजर में ही मिलने वाला है। तो यहां पर लिखेंगे आई इज क्लोज्ड, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। अभी क्या दिखाना है दूसरा, एसोसिएटिविटी, चलिए एसोसिएटिविटी देखेंगे। एसोसिएटिविटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा, लेट हमको तीन एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी ये तीन एलिमेंट बिलोंग्स टू आई मान लीजिए, ठीक है। अब नाउ क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू निकालें, तो ए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ए प्लस ब्रैकेट का काम मतलब सॉरी प्लस नहीं ना, यहाँ ऑपरेशन क्या है स्टार, एक मिनट, ऑपरेशन है स्टार, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, बी ऑपरेशन सी मतलब क्या होगा बोलिए, जैसे ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस बी प्लस वन, तो बी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा, हेलो, अरे बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, हेलो आ रहा है सर, हाँ आ रहा है सर, नहीं आ रहा किसी का, नहीं समझ में आ रहा, सर तो जवाब आ जाए कि नहीं समझ में आ रहा, सर बाहर गए थे थोड़ा पानी गिर रहा है इसलिए गए, कपट बाकी लोग भी तो है। बी ऑपरेशन सी बोलिए क्या होगा, यहाँ तो दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, तो बी ऑपरेशन सी क्या होगा सर, बी ऑपरेशन सी होगा बी प्लस सी प्लस वन, हाँ बी प्लस सी प्लस वन, ठीक है। अब क्या करें हम, अब इसके और इसके बीच में ऑपरेशन लगाएं, जैसे ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, वैसे ए ऑपरेशन मान लीजिए ये पूरा अभी बी है, तो ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस बी, बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन फिर प्लस वन, तो यहाँ पर ए प्लस
C प्लस टू, ठीक है ना। अब फिर से हम इसका वैल्यू निकालेंगे ऑल्सो, क्या ना ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट का काम पहले, ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस बी प्लस वन, और फिर ऑपरेशन सी है। तो देखिए अभी ए ऑपरेशन बी, फिर से ए ऑपरेशन बी क्या होगा, ए प्लस ये हुआ ए प्लस बी प्लस वन, मतलब इसका भी जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। तो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। दस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, कोई भी इंटीजर का एलिमेंट लाइए इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो क्या हो गया, तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाइड हो गया, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड अंडर द ऑपरेशन स्टार, ठीक है। तो हमारा क्या क्लोजर सेटिस्फाइड हो गया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो गया। अब क्या करना हमको, अब हमको इसमें क्या ढूंढना है, आइडेंटिटी, जिसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट हमको इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे, आइडेंटिटी का डिफिनेशन आप लोग बोलिए, आइडेंटिटी क्या है कि उस सेट में कोई एक एलिमेंट ऐसा अगर एग्जिस्ट करे, ठीक है, जिसकी जिसके साथ उस सेट का किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कीजिएगा तो वही हमको मिलेगा। अगर ए ऑपरेट करेंगे तो ए मिलेगा, कोई एक एलिमेंट ई ऐसा होगा इसमें। यहां पर हम लोग मान लेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। मान लेते हैं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है आई में विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, देन क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट आई का लीजिएगा उसके साथ अगर इस ई को ऑपरेट कीजिएगा तो सेम एलिमेंट आएगा ए, और फिर ई ऑपरेट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, ठीक है। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, देन ई के साथ कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट कीजिए इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट, तो जिसको ऑपरेट ए ऑपरेट कीजिएगा तो ए मिलेगा, ठीक है, और इधर से भी ई ऑपरेट ए बराबर भी ए मिलेगा, ठीक, समझ में आ रहा ना, जी सर। चलिए अब देखिए हमको इस ई का वैल्यू ढूंढना है कितना है, और वो जो ई मिलेगा क्या इस सेट में है कि नहीं है वो भी देखना है। एज ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ए ऑपरेट ई मतलब क्या, जैसे ए ऑपरेशन बी मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस वन, तो ए ऑपरेट ई मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू ए हो गया। अब दोनों तरफ ए ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ई का वैल्यू क्या हो गया, ई इक्वल माइनस वन, क्या माइनस वन इस सेट में है, है। देखिए माइनस वन इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिला जिसके साथ किसी को भी ऑपरेट करो वही मिलेगा, ठीक है, समझे कि नहीं, जी सर, हाँ सर। दस यहां पर लिखिएगा कि ए ऑपरेशन माइनस वन
इज इक्वल टू, आपको ए मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस वन ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। और ये माइनस वन तो हमारा इंटीजर का सेट में है सर, है कि नहीं। तो जो भी आइडेंटिटी मिल रहा है वो आइडेंटिटी हमारा इंटीजर का सेट में है। अब आप लोग इसको वेरीफाई करके देख सकते हो कि जो e का वैल्यू माइनस वन, आइडेंटिटी माइनस वन मिला है ना, वास्तव में ये माइनस वन आइडेंटिटी है कि नहीं। चलिए इंटीजर का सेट का किसी को भी ले आइए, यहाँ माइनस वन ऑपरेट करेंगे, बोलिए किसके साथ ऑपरेट करना चाहोगे, बोलिए कोई भी एक एलिमेंट बोल दीजिए। सेवन के साथ माइनस वन को ऑपरेट करने से हमको सेवन मिल रहा है कि नहीं देखिए, है ना। फिर ये भी देखिए कि माइनस वन इंटू सेवन, इसका भी वैल्यू सेवन मिल रहा है कि नहीं देखिए। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है। तो इसको ऑपरेट कीजिए, देखिए कितना मिल रहा है, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, सेवन प्लस माइनस वन प्लस वन, क्या मिलेगा बोलिए। सेवन ही मिलेगा, सेवन मिलेगा ना, इसीलिए माइनस वन के साथ जो भी ऑपरेट कीजिए आपका वही मिलेगा। इधर भी देखिएगा, इसको भी वैसे करके निकालिए, देखिएगा इधर भी आपको मिलेगा सेवन, जो दीजिएगा यहाँ, यहाँ सेवन दिए हैं तो सेवन, यहाँ अगर एट दीजिएगा तो यहाँ एट मिलेगा, यहाँ नाइन दीजिएगा तो नाइन मिलेगा, ठीक है, समझे कि नहीं। देख लीजिएगा यहाँ अगर देखे आप कर रहे हैं ना, यहाँ अगर आप टेन दीजिएगा तो आपको टेन मिलेगा, इधर भी टेन दीजिएगा तो टेन मिलेगा, करके देख लीजिए। इसीलिए माइनस वन आइडेंटिटी है। तो जो एक मतलब हम लोग का जो एक अवधारणा था ना कि जीरो ही आइडेंटिटी होता है, वन ही आइडेंटिटी होता है, कोई जरूरी नहीं है, वो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। हम लोग जो पढ़ते थे ना कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है माइनस वन, सॉरी वन, है ना। तो वन और जीरो छोड़ के कोई आइडेंटिटी नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे चलिए और आप लोगों को मिलेगा आगे वाला सेट सब, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये माइनस वन हुआ और ये आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस वन एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, एग्जिस्ट इन आई, ये आई में है वाला, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारा हो गया। लास्टली हमको क्या देखना है, लास्टली हमको देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक ना, एग्जिस्टेंस ऑफ जी सर इनवर्स, हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए यहां पर तो आइडेंटिटी हमारा क्या है, आइडेंटिटी सर माइनस वन, माइनस वन आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस वन है, ठीक है, ये हमको पता चला। तो हम यहां पर खोजने जाएंगे, लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई एक एलिमेंट है पी, एनी एलिमेंट इन आई, ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे कि इसका इनवर्स, ए का इनवर्स, ए का जो इनवर्स है वो आइडेंटिटी सॉरी इंटीजर का सेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम मान लेते हैं ए का इनवर्स P है, ठीक है, लेट P बी द इनवर्स, P बी द इनवर्स ऑफ A। ये जो A एलिमेंट जो इंटीजर का सेट में हम लोग लिए एनी एलिमेंट, उसका इनवर्स हम लोग B मान ले रहे हैं, और मेरा आइडेंटिटी है माइनस वन, देन क्या हो जाएगा बोलिए ना, ए बी इक्वल टू माइनस वन, देन ए का इनवर्स अगर बी है तो ए के साथ बी को ऑपरेट करने से हमको आइडेंटिटी मिलेगा,
और इधर भी, यहाँ आइडेंटिटी मतलब माइनस वन, पी को ए के साथ ऑपरेट करने से भी हमारा आइडेंटिटी मिलेगा। अब हमको देखना है कि ये जो बी है, बी हमारा इस सेट का मेंबर है कि नहीं इंटीजर का। अगर बी इस सेट का मेंबर हो गया तो मेरा काम बन गया। हम बोलेंगे कि कोई भी एलिमेंट हम आई में ले रहे हैं उसका इनवर्स हमको आई में मिल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एज क्या मिला हम लोग को, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस वन, बी प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, इज इक्वल टू माइनस वन। हमको बी का वैल्यू निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन माइनस वन माइनस ए, ठीक ना। इसका मतलब है बी का वैल्यू हुआ माइनस टू माइनस ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं सर, नहीं। अब ये देखना है कि ये माइनस टू माइनस ए जो बी का वैल्यू, बी को क्या माने हैं हम, एक इनवर्स, तो उस बी का वैल्यू जो आया वो इंटीजर का सेट में आया कि नहीं आया, बोलिए सर। इंटीजर का सेट में ही आएगा सर, इंटीजर का सेट में ही आएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि ए इंटीजर है तो माइनस माइनस टू भी इंटीजर, और माइनस टू माइनस ए अगर करेंगे तब वो भी इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्योंकि लिखेंगे एज ए इज ए इंटीजर, ए इंटीजर है इसीलिए ये इंटीजर का सेट में ही होगा। दस क्या बोले हम, दस फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आई, कोई भी ए के लिए एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस टू माइनस ए बिलोंग्स टू आई। ए को अगर हम आई में ले रहे हैं तो माइनस टू माइनस ए भी हमको एक ऐसा एलिमेंट आई में एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट क्या हो रहा है ना, ए ऑपरेशन माइनस टू माइनस ए है ना इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस टू माइनस ए ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है, तो जी सर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए सो क्या बोलेंगे, माइनस टू माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए और ये एग्जिस्ट कर रहा है इन आई, तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ आई एग्जिस्ट इन आई, तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ आई एग्जिस्ट इन आई, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारा जो चारों प्रॉपर्टी है ग्रुप होने के लिए वो तो हमारा प्रूफ हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे हेंस ये सेट ऑफ इंटीजर आई इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, ठीक है। किसी का कहीं कुछ डाउट है तो बोलिए। हेलो, नहीं सर, पूछिएगा, जहां भी नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। अब देखिए ये वाला तो हम लोग कर लिए है ना, एक नंबर वाला ये हम लोग का हो गया। अब ये दूसरा को देखना है इसको। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन 1 है ना, वहां पर इंटीजर का सेट था, यहाँ रेशनल नंबर का सेट है, वहां पर सारे इंटीजर है ना था सेट आई में, सारा इंटीजर, यहाँ पर सारा रेशनल नंबर नहीं है, सारा ही है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। अब ऑपरेशन एक कुछ और ये हाँ। था, अब ऑपरेशन ये है। चलिए इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं है ना, दो नंबर वाला का
ठीक है, पहले क्या देखेंगे क्लोजर नंबर ए में, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो कोई भी दो एलिमेंट ले आइए, किससे सेट आपका क्या है, क्लोजर देखने के लिए आपका काम है कि जो सेट आपको दिया हुआ है उससे दो एलिमेंट लेके आइए, दोनों के बीच में ये ऑपरेट करा दीजिए, जो मिलेगा क्या उसी सेट का वापस से एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिला, मिलेगा ये देखिए, अगर मिलेगा तो क्लोजर बोलिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं तो नहीं, तो आप दो एलिमेंट लेके आइए, मान लेते हैं कि ए एंड बी, लेट ए और बी दो एलिमेंट हम लोग ले लिए, किस में क्यू वन, वेयर क्यू वन क्या है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन वन, वन के अलावा सारे रेशनल नंबर का सेट है क्यू वन, तो इस क्यू वन से दो एलिमेंट ए और बी हम लोग लिए, नाउ ए ऑपरेट बी कीजिए, तो ए ऑपरेट बी यहां क्या है बोलिए ना, यहां पर ए ऑपरेट बी क्या है देख लीजिए, ए ऑपरेट ए प्लस बी माइनस वन, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए बी, यहां पर ए प्लस बी माइनस ए बी, बताइए अगर ए और बी दोनों अगर रेशनल नंबर है तो क्या ए प्लस बी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा सर, होगा सर, दो रेशनल नंबर का एडिशन रेशनल होगा कि नहीं, फिर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ए बी, ये रेशनल होगा कि नहीं, वो भी रेशनल होगा सर, दो रेशनल नंबर का हम लोग जानते हैं एडिशन भी रेशनल होता है, दो रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल होता है, इसलिए यहाँ पर ए प्लस बी भी रेशनल होगा और ए बी भी रेशनल होगा, अगर ये भी रेशनल है ये भी रेशनल हुआ तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक रेशनल होता ही है, है कि नहीं, जी सर, इसीलिए ये हमारा रेशनल हो गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू वन, तो क्या बोलेंगे, तो क्यू वन इज क्लोज with respect to the operation star, ठीक है, with respect to the operation star, चलिए closed हो गया, number b क्या देखना है, associativity, हो गया डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्या है ऐसा, कल से कर रहा है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी के लिए आप कितना नंबर का जरूरत होगा, बोलिए, तीन, तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट ले लेंगे, किसमें, क्यू वन में, क्यू वन में हम तीन एलिमेंट ले लिए, नाउ अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इसका वैल्यू देखेंगे, तो ए ऑपरेशन वाले ब्रैकेट का काम बी ऑपरेशन सी, तो बी ऑपरेशन सी क्या हो जाए, ए ऑपरेशन बी क्या है, ए ऑपरेशन बी है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो बी ऑपरेशन सी क्या होगा, बी प्लस सी माइनस बी सी, अब इसको ए बोलिए और ये पूरा को बी बोलिए, तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए बी मतलब यही होगा ना, ठीक है, ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस ये पूरा बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, कोई डाउट नहीं, नहीं ना, जिसको भी डाउट होगा पूछिए, ए प्लस बी
प्लस सी माइनस बी सी। यहां पर देखिए कि माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, यह हमारा मिला। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो हम लोग ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का वैल्यू भी निकालेंगे, देखेंगे इतना ही निकल रहा है कि नहीं। अगर इतना ही निकल रहा है तो हमारा एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर ऑपरेशन सी, तो क्या हो जाएगा अब ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस बी माइनस माइनस ए बी, ए बी मतलब सी इंटू इतना, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, ए प्लस पहले सी लगा सकते हैं माइनस ए बी, ठीक है जी सर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे ब्रैकेट को जब ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये सी को पहले ले आइए ए बी को बाद में, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा माइनस ए बी फिर माइनस बी सी माइनस ए सी और फिर प्लस ए बी सी। देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है सर, तो क्या हो गया प्लस यहां पर लिखेंगे प्लस ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू वन, ठीक है सर। क्लियर नहीं आ रहा आवाज सुन, क्लियर नहीं आ रहा ये, ठीक है सर नहीं आ रहा सर ना, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा, मेरा यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत रहने वाला है ये नहीं। नहीं सर नेट है सर, पता नहीं टावर भी है पूरा फिर भी। बाकी लोग बोलिए आवाज क्लियर है कि नहीं, अभी आ रहा है सर, अभी आ गया सर। हाँ यहाँ से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, इतना श्योर है, ठीक है। तो क्या हो गया सो क्या हो जाएगा, सो एसोसिएटिविटी 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 सेटिस्फाइड अंडर द ऑपरेशन क्या था स्टार, ठीक है ये। तो दो चीज हमारा सेटिस्फाई हो गया है ना जी सर, दो चीज हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा चीज, तीसरा क्या है, तीसरा बोलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप लोग बता सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी क्या होगा सर, इसमें आइडेंटिटी सर ई है क्या होगा बोलिए, हाँ हम लोग मान लेते हैं लेट ई belongs to Q1, P the sir identity A minus 1 element मतलब किसी भी को 1 minus कर देने से हो जाएगा, हाँ ना ऐसा तो possible नहीं है। देखिए let E be the identity then for any A belongs to Q1 क्या हो जाएगा ना, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, ये होगा।
कोई भी ए के लिए Q1 से कोई भी एलिमेंट आप लाइए यहां बैठा देने से, जो यहां बैठा दीजिएगा वही यहां मिलेगा, ठीक ना। इधर से भी जो भी यहां बैठा दीजिएगा वही यहां मिलेगा। तो एज अब ये ई का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। एज ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, तो ए ऑपरेशन ई मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस, सॉरी बी नहीं ए, ए प्लस क्या है, ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू ए, समझ में आया। हेलो, हाँ सर, नहीं सर, नहीं समझ में आया, आ गया सर। अरे ये जो है इसी को हम बी के जगह पर लिखे हैं, ठीक है, ये ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ई का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी माइनस ए बी, ए ऑपरेशन बी मतलब one, तो ए ऑपरेशन ई के जगह क्या होगा, ए प्लस ई माइनस ए ही ना होगा और इज इक्वल टू ए। अब देखिए ये ए इस ए के साथ कैंसिल, सही, इसका सर आइडेंटिटी 1/1 - a होता, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हैं 1/1 - a होता, दूसरा तरफ कर दिए थोड़ा, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जगह से अब e कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 - a इज इक्वल टू क्या, राइट साइड में क्या बचा बोलिए, राइट साइड में जीरो, तो जीरो बचेगा सर, जीरो बाय वन माइनस ए मतलब जीरो, समथिंग आइडेंटिटी जीरो होगा, ठीक है। तो ठीक है सर, यहां पर क्या हो गया आइडेंटिटी जीरो। अब ये जीरो हमको बेसिकली देखना क्या है कि जो भी आइडेंटिटी हो रहा है वो हमारा Q1 सेट का एलिमेंट है कि नहीं, तो क्या हम जीरो को रेशनल नंबर बोलेंगे, हाँ सर जीरो रेशनल नंबर है, तो ये बिलोंग्स टू Q1, ठीक है। दस दस फॉर एनी ए बिलोंग्स टू Q1 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू Q1, एक एलिमेंट ऐसा जीरो एग्जिस्ट कर ही रहा है Q1 में, है ना, सच दैट क्या हो रहा है, ठीक है, ए ऑपरेशन जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो ऑपरेशन ए, ठीक है, ठीक। तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन Q1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट कर गया। अब क्या देखना है मेरे को, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ए बी सी डी, अभी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर आइडेंटिटी क्या है हम लोग अभी देखिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ई का वैल्यू है हमारा जीरो, जीरो, ठीक है। तो अभी लेट, है ना, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ Q1। अब इस ए के लिए कोई एक एलिमेंट Q1 में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये हमको देखना है, जिसके साथ ए को ऑपरेट करने से हमको जीरो मिले, ठीक है। तो यहां पर उस एलिमेंट को मान लेते हैं बी, लेट माने लेट बी बी द इनवर्स,
ऑफ ए. सो दैट क्या हो जाएगा, सो दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो और बी ऑपरेशन ए का वैल्यू भी जीरो. यही ना बाय डिफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कहीं भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो. जी सर. अब एज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू जीरो, और ए ऑपरेशन बी मतलब क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी बी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो. हमको किसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है. तो फिर यहाँ पर b माइनस ए बी को रखेंगे, a को राइट में ले जाएंगे, तो माइनस ए हो गया. यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, और तब b इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए बाय ए बाय ए माइनस ए. इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि b नेगेटिव काटने के लिए a बाय ए माइनस ए माइनस वन. ठीक है, तो क्या ये वाला एलिमेंट जो है b हमको हमारा इनवर्स मान के चल रहे थे हम, है ना, माने थे कि a का इनवर्स b है. अब b का वैल्यू इतना निकला, a का इनवर्स b है और b का वैल्यू इतना निकला. अब ये एलिमेंट क्या हमको रैशनल नंबर का सेट में माने q1 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जरूर मिलेगा, क्योंकि a हम q1 में लिए थे, मतलब a रैशनल था, है ना. तो रैशनल माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा रेशनल. यहां पर देखिए क्यों, आप लोग अगर बोलिएगा कि क्यों यहां पर सर, यहां पर जो क्वेश्चन में दिया था ना, इसमें माइनस वन को आउट कर दिया था रेशनल नंबर का सेट से, रेशनल नंबर का सेट से सॉरी वन वन को आउट कर दिया था और सेट बना लिया था वो क्यू वन. ठीक है, क्यू वन अपने से एक सेट बनाया था सारे रेशनल नंबर का, वन को छोड़ करके. क्यों वन को छोड़ करके बनाया, वन कहे नहीं लिया, इंक्लूड कहे नहीं किया क्यू वन में. देखो वन को अगर इंक्लूड करता तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, सर समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाता इनवर्स. यहाँ ए के जगह हम वन बैठा सकते थे, क्योंकि हम कहाँ से लिए थे, क्यू वन से लिए थे, ए को क्यू वन से लिए थे, मतलब क्यू वन में अगर वन भी होता तो हो सकता है कि ए के जगह वन भी आ जाता. अगर वन आ जाता तो वन माइनस वन जीरो हो जाता, something divided by zero undefined, zero undefined, इसीलिए वो one को बाहर रखा है. ठीक है जी सर, ऐसे तो ये rational minus one ये rational हो जाएगा, और ऊपर में भी rational, rational divided by rational rational होता है, इसीलिए ये q1 का element है. ठीक है, thus for any a belongs to q1, है ना, There exist an element a by a minus one, किसमें q1 में, such that क्या हो जाएगा, a operation a by a minus one is equal to identity, identity यहां पर जीरो है, is equal to a by a माइनस वन ऑपरेशन थी. ठीक है, तो क्या हो गया, तो इनवर्स ऑफ, तो इनवर्स ऑफ a इज a बाय a माइनस वन, है ना, और ये एग्जिस्ट कर रहा है इन q1, एंड इनवर्स ऑफ, हम ए को तो आर्बिट्रारीली लिए थे, कोई भी एलिमेंट हम ए ले रहे हैं, हम किए क्या थे, हम इसमें एक एलिमेंट ले लिए थे ए क्यू वन में, और हम ये देखना चाह रहे थे कि ए का इनवर्स जो है क्यू वन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो ए अगर जब क्यू वन में ले रहे हैं तो उसका इनवर्स हमको मिल रहा है ए बाई ए माइनस वन क्यू वन में, तो हैं कोई भी एलिमेंट हम लेंगे अगर क्यू वन में तो उसका इनवर्स जो है क्यू वन में ही हमको मिलेगा. तो हैं इनवर्स ऑफ each element of q1 exists in q1. तो inverse, हर element का inverse भी exist कर गया, hence
क्या बोलेंगे? हैंड्स हैंड्स Q1 इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, किसी को कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग जरूर बोलिए। हेलो, ठीक है सर। हाँ सर, समझ में आया सबको बढ़िया से? हाँ सर। ठीक है, अगला वाला आपने से करना है। अच्छा, अगला वाला जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर, ये 2 नंबर तो हम लोग का हो गया, अब ये तीसरा वाला क्या आप लोगों से बनेगा या बना देना पड़ेगा? बोलिए। बनेगा सर, बनेगा ना? हाँ सर, बनाइए जरूर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, Example 5 इसमें है किताब में। सो दैट द मैट्रिक्स सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस द सेट ऑफ मैट्रिसेस सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस किस टाइप का? ए अल्फा टाइप का है, जिसमें ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, पर अल्फा क्या है ना, अल्फा बिलोंग्स टू बोल रहा आर रियल। ठीक है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल। फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब ए अल्फा टाइप का जितना सारा एलिमेंट्स होगा उसका सेट ग्रुप होगा, तो उसका सेट को हम नाम दे देते हैं जी। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। लेट जी एक सेट है, ठीक है, इसमें कौन एलिमेंट है? ए अल्फा टाइप का, ए अल्फा, और ये ए अल्फा होगा क्या? ए अल्फा है ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर। मतलब अल्फा को, अल्फा रियल नंबर है, रियल नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं, तो इस सेट में कितना मैट्रिक्स है आप लोग बता सकते हैं? कितना इस टाइप का एलिमेंट है बता सकते हैं? है? हेलो, सीधा सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो आप लोग बता सकते हैं कि कितना एलिमेंट है इसमें, इस सेट जी में?
फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, बोलिए सर। इनफाइनाइट होगा सर। बहुत सारा एलिमेंट्स है इस टाइप का, जितना सारा मैट्रिक्स है इस सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन, इस टाइप का मैट्रिक्स मतलब अल्फा रियल नंबर से आएगा, ठीक है। तो अल्फा रियल नंबर का आप वेरी कराते जाइए, अल्फा की जगह वन बैठा दीजिए तो एक सेट मिल गया, एक एलिमेंट मिल गया जी का, टू बैठा दीजिए तो और एक मिल गया, 1.1 बैठा दीजिए तो और एक मिल गया, 1.01 बैठा दीजिए तो और एक मिल गया, इस टाइप से है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में रहेगा। हमको दिखाना है इस सेट जी को ग्रुप दिखाना है किसके रेस्पेक्ट में। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी सर। तो पहले क्लोजर आ जाइए, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जी का कोई दो एलिमेंट ले लेंगे है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि जी का ही एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो लेट हम मान लेते हैं कि ए अल्फा एंड ए बीटा ये दो एलिमेंट है जी का। अगर ये दो एलिमेंट होगा जी का मतलब ये एक मैट्रिक्स है, समझे कि नहीं? ए अल्फा मतलब एक मैट्रिक्स, ए बीटा मतलब एक मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों जी का एलिमेंट है। अब तब अल्फा क्या होगा, कहां से आएगा? रियल रियल नंबर्स जी सर। क्या करें, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। नाउ ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा मतलब क्या होता है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इंटू ए बीटा। ए बीटा का क्या हो जाएगा, ए अल्फा का अगर इतना होता तो ए बीटा का क्या हो जाएगा? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, फिर साइन बीटा कॉस बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या है, रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम के साथ होगा ना। जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए? कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होगा। फिर इसका साइन बीटा होगा कॉस अल्फा साइन बीटा, आगे में माइनस लगेगा और फिर माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। माइनस 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 प्लस हो जाएगा या प्लस ही होगा सर? माइनस ही होगा, ठीक है सर। फिर ये वाला पहला रो का काम हो गया इसका। अब दूसरा रो का, दूसरा रो एक बार दूसरा कॉलम और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों के साथ, तो जब इसका हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन बीटा साइन बीटा, फिर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। हाँ, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या मिला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बोलोगे? कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेने से क्या मिलेगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा माइनस बाहर जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बीटा साइन बाहर जाएगा, ऐसा मत बोलो। यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा है ना। तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से, इसलिए वो जो कॉमन लिया वो माइनस बाहर में रह गया और कॉमन लेने से ये फॉर्मूला में आ गया, इसलिए साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया,
यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या होगा इसको साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको पहले पढ़ो कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस कॉस से कॉस भी मैंने साइन से मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स मिला क्या ये मैट्रिक्स जी का एलिमेंट है? हाँ सर है। जी का एलिमेंट बोल रहे हो, किस आधार पर बोल रहे हो? सर ये भी अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग का रियल नंबर ही है। हाँ ये जी का एलिमेंट अल्फा, क्यों? बिकॉज इसीलिए जी का एलिमेंट होगा बिकॉज अल्फा और बीटा ये दोनों मेरा रियल नंबर था, है ना? रियल नंबर को ऐड करें या माइनस करें जो भी करें रियल नंबर रहे, तो अल्फा प्लस बीटा भी रियल होगा। अल्फा और बीटा दोनों रियल था तो अल्फा प्लस बीटा भी रियल होगा, और अल्फा प्लस बीटा रियल अगर हो जाता है तो यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा तो जी का एलिमेंट होता है जब यहाँ अल्फा रियल होता है तब। सर वहाँ बिलोंग्स टू जी होगा सर, मैट्रिक्स में बिलोंग्स टू जी, सॉरी हाँ आर के जगह बिलोंग्स टू जी। ये अगर मैंने एंगल के जगह अगर रियल आ जाए, है ना, थीटा के जगह सभी थीटा के जगह अगर रियल आ जाए तो ये जी का एलिमेंट हो जाए, ठीक। तो क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाइड। जी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे अभी? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के बारे में क्या कहोगे बोलो? हम लोग तो जानते हैं 12 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीपल अल्फा बीटा गामा तीन तो लेंगे सर, मैट्रिक्स इसमें अल्ट्रा। सुनो हम लोग 12 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही है, इसलिए हमको यहाँ करके देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख दोगे वी हैव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव हो गया। नंबर थ्री, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बोलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जीरो। जीरो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन। जीरो तो एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है, माने कौन सा एक मैट्रिक्स ऐसा है, कौन सा एक मैट्रिक्स ऐसा है, माने कौन सा एक मैट्रिक्स मतलब यहां पर कॉस यहां अल्फा यहां पर माइनस साइन अल्फा की जगह छोड़ दे रहे हैं आप लोग, ये वाला बताओ, ठीक है, यहां पर साइन अल्फा की जगह छोड़ दे रहे हैं, कॉस अल्फा की जगह छोड़ दे रहे हैं, अल्फा की जगह छोड़ दे रहे हैं, ये अल्फा के जगह क्या बैठाएं ताकि आप जो भी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये जो भी मैट्रिक्स रहे होगा ना यही वाला मैट्रिक्स आपको यहां मिल जाएगा। बोलिए तब तो मैंने हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बोलेंगे ना, है
सर जीरो हो बोलेंगे अल्फा के जगह क्या दें जीरो सर अल्फा के जगह जीरो अगर अल्फा के जगह जीरो देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन इसका वैल्यू हो जाएगा वन इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो और इसका भी वैल्यू हो जाएगा जीरो तो ये मैट्रिक्स इस टाइप से मिलेगा हमको वन जीरो जीरो वन मैट्रिक्स के मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में यही आइडेंटिटी होता है कि नहीं यस सर तो ये मेरा आइडेंटिटी है तो अल्फा के जगह हमको जीरो पुट कर देना है होने से हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमको मिल जाएगा ठीक है तो लिखेंगे कैसे देखिए सिंस देखिए जीरो तो आर में है ना इसीलिए क्या क्या बोल पाएंगे हम इसीलिए बोल पाएंगे देयरफॉर ये जो ए जीरो है ए जीरो मतलब कॉस जीरो माइनस साइन जीरो फिर साइन जीरो यहां साइन जीरो होगा और ये कॉस जीरो बेसिकली ये जो है ये हमारा निश्चित रूप से बिलोंग करेगा किसमें सी में ठीक है कोई डाउट नहीं क्योंकि अल्फा के जगह अगर रियल नंबर हो जाए तो ये जी का एलिमेंट हो जाएगा वो भी वो मैट्रिक्स जी का जरूर हो जाएगा शर्त ये है कि अल्फा के जगह रियल होना होगा तो हम तो जानते हैं कि जीरो रियल नंबर है तो ए जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे तब इसको हम लोग बोलेंगे कॉस जीरो मतलब वन और माइनस साइन जीरो मतलब जीरो फिर साइन जीरो जीरो वन ये बिलोंग्स टू और यही तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है समझ में आया कि नहीं आइए सर तो क्या बोलेंगे तो फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर है ना ए अल्फा के साथ अगर ए जीरो को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमको ए जीरो सॉरी ए अल्फा ही मिलेगा और फिर इधर a0 into a alpha ठीक है therefore क्या हो गया therefore a0 is identity है ना element of g with respect to मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ठीक है कोई डाउट है तो बोलिएगा नहीं सर नहीं सर तो हमारा आइडेंटिटी आ गया अब एक ही काम हमारा बचा रहा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम कैसे निकालेंगे देखिए एक कितना नंबर था तीन ये चार नंबर ना चार नंबर नंबर फोर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ठीक है हम क्या करेंगे लेट मान लेते हैं कि ए अल्फा कोई एलिमेंट है जी का ए अल्फा मतलब वो टू बाई टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा वो वाला ठीक है ये जी का एलिमेंट है तब बताओ देन क्या ए माइनस अल्फा जी का एलिमेंट होगा होगा सर क्योंकि माइनस अल्फा भी हम लोग का रियल नंबर ही होगा होगा है ना क्यों सिंस यहां पर अल्फा बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू आर इसीलिए समझ में आया
यस सर। अगर ए अल्फा जी का एलिमेंट होगा तो अल्फा रियल होगा, और अल्फा रियल होगा तो माइनस अल्फा भी रियल होगा, और माइनस अल्फा रियल होगा तो निश्चित रूप से ए माइनस अल्फा भी जी का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक नाउ अब एक काम कीजिए, ए अल्फा और ए माइनस अल्फा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए। मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आ जाएगा बताइए। यहां पर एक चीज आप गौर कीजिए, हम यहां से भी इसका ये ले सकते हैं, जैसे ए अल्फा इंटू ए बीटा मल्टीप्लाई किए तो जो सेट मिला, क्या इस सेट को हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब ये ए अल्फा हो सकता है, ये सेट जब ए अल्फा हो सकता है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, होने से हम मल्टीप्लीकेशन करने से बच जाएंगे। ये सेट अगर आपका ए अल्फा हो सकता है, ये सेट अगर आपका ए बीटा हो सकता है, तो आपका ये सेट क्या होगा, इस सेट को आप क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे इसका सर, ए अल्फा प्लस बीटा। हाँ, इसको आप बोल सकते हो ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ए अल्फा प्लस बीटा, समझ में आई बात, ठीक है, और ये बिलोंग करेगा जी में, ठीक। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा करने से हमको ए अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, ए अल्फा इंटू ए बीटा करने से हमको ए अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है। तो अब बताओ ए अल्फा इंटू ए माइनस बीटा करने से हमको क्या मिलेगा, ए जीरो मिलेगा सर, है ऐसा मिलेगा, ए जीरो मिलेगा, ए जीरो मिल गया, और ए जीरो क्या है, जो कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है हम लोग का। ऑल्सो ए माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा, ये भी हमारा क्या मिलेगा, ए जीरो ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, तब हम ये कह सकते हैं कि ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ए जीरो इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा ए अल्फा, और ऑल अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा का कोई भी के लिए ये चीज होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो फॉर एनी ए अल्फा बिलोंग्स टू जी दे आर एग्जिस्ट ए माइनस अल्फा belongs to G such that, क्या हो रहा है, ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए जीरो इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा, ठीक है। तो ए माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ ए अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू क्या, न मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट इन, है ना, एंड हेंस ये जी इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जी इज ए ग्रुप, और जी हम किसको मान ले रहे थे, है ना, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए अल्फा, है ना, देयरफॉर क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, देयरफॉर सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए अल्फा इज इक्वल टू
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हो गया सर क्लियर? नहीं सर। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। ठीक, किसी को कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लिया कीजिए सर। थोड़ा लास्ट वाला बोलिए। लास्ट वाला क्या, कहाँ पर सर? लिखा तो नहीं दिख रहा है, समझ गए। हो गया ना ये वाला सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स। इस टाइप का जितना मैट्रिक्स होगा ना उसका जो सेट जिसको हम जी बोल रहे हैं, जी तो हम माने थे ना, जी तो दिया नहीं था वो, तो नहीं जी मेरा अगर ग्रुप हो गया तो वो जो माना जो दिया था उसी को ग्रुप बोलेंगे ना, हम अपना मानने वाला तो ग्रुप थोड़ी बोलेंगे, वो तो माने थे हम सुविधा के लिए, ठीक ना जी सर। तो आज का क्लास कैसा लगा बोलिए, सबको समझ में आया बढ़िया से? कोई डाउट है सर? कहीं कुछ जी सर है? बढ़िया था सर। ठीक है, तो आप लोगों को हम ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ भेज दे रहे हैं आज का क्लास सर। नेक्स्ट सर कल नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होगा? कल क्या बोला? ऑफलाइन ऑफलाइन सर। हाँ कल ऑफलाइन होगा जी सर। ठीक है हाँ सर ऑफलाइन होगा। ओके ठीक है सर।